एबीपीएस न्यूज सच का साथी। जनपद बलरामपुर के जिले के गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी पात्र लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत 1300 ऐसी बीमारियों को शामिल किया गया है जिसका इलाज सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी अस्पतालों में किया जा सके, जिसमें से तमाम असाध्य बीमारियां भी शामिल हैं। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि यहां की 25 करोड़ की आबादी में से 6 करोड़ की आबादी को इस वर्ष बीमा कवर से आच्छादित किया जाएगा। रविवार को जिले के संयुक्त चिकित्सालय स्थित सीएमओ कार्यालय सभागार में श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के सांसद दद्दन मिश्रा, बलरामपुर सदर विधायक पलटू राम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला के साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी घनश्याम सिंह और सीएमएस राजेश कुमार गुप्ता की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक लाभार्थी को आयुष्मान योजना के तहत बीमा कवर का कार्ड देकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान सभागार में मौजूद भारी संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए दद्दन मिश्रा ने कहा कि जिले में सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है। हम इसी के तहत तमाम योजनाओं को लागू कर रहे हैं जिससे गरीब मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और उनके पास पैसा न होने की सूरत में भी उनका इलाज जारी रह सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए एक वरदान से कहीं अधिक साबित होगी। योजना के तहत जिले के लाखों लोगों को लाभ मिला, खासकर नेपाल से सटे हुए इलाकों में जहां पर ज्यादा गरीबी है वहां के लोगों को इलाज की ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस दौरान घनश्याम सिंह ने कहा कि जिले के तमाम लोगों को और बेहतर तथा मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिले के तमाम गरीब लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके तहत तमाम CHC और PHC का उच्चीकरण किया जाएगा जिससे लोगों को अपने ही जिले, तहसील या ब्लॉक में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हम आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा इसी साल के बजट में अरुण जेटली ने किया था। इस योजना के तहत मोदी सरकार दावा कर रही है कि आने वाले 5 सालों में तकरीबन देश भर के 50 लाख परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रदान किया जाएगा जिससे उन्हें साल भर में अधिकतम 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके तहत मोदी सरकार के द्वारा लगभग 1300 बीमारियों को शामिल किया गया है जिनका इलाज इस योजना के तहत तमाम CHC, PHC तथा अन्य निजी सरकारी अस्पतालों में किया जाएगा। एबीपीएस न्यूज के लिए बलरामपुर से शैलन बाबू की एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्तर की स्वास्थ्य सेवा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झारखंड की राजधानी रांची से जिसका शुभारंभ कर रहे हैं, हम सब लोग अपने अपने जनपदों में देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा की सौगात देने जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी की अनुभूत हो रही है क्योंकि हमारे समाज में स्वास्थ्य को लेकर के एक असुरक्षा की भावना एक आम आदमी को, गरीब आदमी को हमेशा सताई रहती थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। जैसा कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण से पहले ही कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है। साथ साथ पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। इसमें 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, वो भी कैशलेस, मतलब पब्लिक को कोई पैसा नहीं खर्च करना है। किसी भी अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएं। 1,18,000 ऑलरेडी इस लिस्ट में हैं जो 2011 के सेंसस के हिसाब से लिया गया था, गरीब छांटे गए थे। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो उसको भविष्य में शामिल किया जाएगा और उसके लिए सर्वे करने के लिए आदेश दिया गया है कि जो गरीब व्यक्ति हो, पात्र व्यक्ति हो, उसको लिस्ट बना ली जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए। क्योंकि केंद्र सरकार का ही पूरा प्रोजेक्ट है, पैसा भी वहीं से मिलना है, तो केंद्र सरकार का ये कहना है ये भेज दिया जाए, भविष्य में हम उनको भी शामिल करेंगे। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।